जय हिंद दोस्तों, मैं अमर ज्ञान चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन कराई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी, तो जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा, ये हमने घोषणा की थी। 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5,96,00,000 ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर है, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, जो कि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97,89,00,000 लगभग 98 करोड़ रुपया, इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा और ये सबको RTGS के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है, वो भी 6,70,00,000 रुपया बना है। और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1,60,00,000। भाई अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।